शिक्षा समाचार एमपी पर आपका स्वागत है। भोपाल से आज न्यूज है, 29/9/2022 को यह आदेश जारी किया गया है, संशोधित किया गया है, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से आदेश है और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय संभाग आयुक्त और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। खास बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में ये जानकारी दी गई है और यह भर्ती 2023 के संबंध में जो नियमावली जारी की जाएगी वह नियमावली अभी संशोधित करके यहाँ जारी कर दी गई है। यहाँ पे पूरी जानकारी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो छोड़कर न जाए, पूरा वीडियो जरूर देखें। जो शैक्षणिक संवर्ग के पद है 2018 के भर्ती नियम है उसके पश्चात नियम 11 उपनियम 9 में प्रावधान है कि नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थी की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, अर्थात शासन जो भी आदेश देगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देखते हैं हम पात्रता परीक्षा के विषय की बात करते हैं। सबसे पहले हाई स्कूल यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक जो होते हैं उनके लिए नियोजन की प्रक्रिया में क्या है विषय बार यहाँ पे संख्या बताई जाएगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन, इतिहास और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके बाद में इतिहास के बाद राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान में आयोजित होगी ये परीक्षा। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा, अर्थात जो नियम है उसके अनुसार यहाँ उपाधि होना चाहिए। इन विषय में मान्य किए जाने वाले सविषय परिशिष्ट एक में के अनुसार होंगे, जो परिशिष्ट एक है उसमें दिए गए हैं वो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक विद्यालय, जो माध्यमिक विद्यालय है उनमें माध्यमिक शिक्षक की भर्ती की जाती है, उसकी परीक्षा जो होगी तो परीक्षा के विषय गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू होंगे। गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। दूसरा विज्ञान की बात आती तो विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं दो विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, वाणिज्य में से किसी एक विषय के साथ यहाँ पे लिखा स्नातक उपाधि धारित करना होगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर इन विषय का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन कराना अनिवार्य होगा, यानी उन्हें अध्ययन किया हो मुख्य विषय के रूप में तभी वो दे सकते हैं। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेख जो की गई है वो प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो उनको नियोजन किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं की जाएगी, स्पष्ट लिखा है। यह कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी और माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक के पद जो हैं वो चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उसे शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं जो होगी वो शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 18 के उपनियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना होगा। देखते हैं नियोजन में आरक्षण की बात करते हैं कि किसे कितना आरक्षण दिया जाएगा। 2018 में जो आरक्षण था वही आरक्षण लगभग यहाँ शामिल किया गया है। उपलब्ध रिक्तियों में 25% पद नियम 18 के नियम 11 के उपनियम 7(4) के अनुसार अतिथि शिक्षक से भरे जाएंगे। यहाँ पे फिर बताया गया है कि अतिथि शिक्षक जो है उनको 25% दिया जाएगा, शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थी से भरे जाएंगे, वही पुनः धोखा अतिथि शिक्षकों के साथ। और इसी प्रकार उपरोक्त अनुसार कंडिका 3(1) के पदों के से राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर आरक्षित किए जाएंगे।
कंडी का जो 3.1 आ एवं ब के रिक्त पद है उनको प्रवर्गवार जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनारक्षित के लिए महिलाओं दिव्यांगों भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण भर्ती नियम 18 के नियम 11 उपनियम 7 के अनुसार रहेगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो 25% रिक्तियां ऐसे अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए नियोजन के लिए आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में ये अन्य पात्रताधारी से भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्त पद में से 25% पद हेतु अतिथि का जो आरक्षण होगा ये शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में रिक्त पद पर विभाग के निर्देश अनुसार रखे गए अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25% पद पर मेरिट क्रम में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा, बशर्ते वे नियम 18 की अनुसूची 3 में उल्लेखित अनुसार शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो यानी डीएड बीएड हो और यहाँ पर पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ वो उत्तीर्ण भी किए हो उन्हें ये फायदा मिलेगा। पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम आहरकारी अंक की बात करें तो जो पीवी है वो जो अलग अलग परीक्षा ली है शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके अनुसार यहाँ पर लेना होगा और पात्रता अनुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है अर्थात 2-3 डिग्री किया हो उसमें वो यहाँ पे ले सकता है। पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा और यहाँ पर सीधा बताया गया है कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें 50% अंकों में पास किया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी जोड़ दिया इस बार और अन्य के लिए 60% कर दिया यहाँ पे। अच्छा दशमलव में 2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जाएगी। इस सूची में अभ्यर्थी के प्राप्तांक के सम्मुख यथा स्थिति अनुसूची जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला पुरुष दिव्यांगजन का उल्लेख किया जाएगा। सूची पीवी द्वारा एमपी ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए योग्यता सूची में अंक जो दशमलव के पश्चात 2 अंक होते हैं बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले को दी जाएगी और आयु की गणना जो है विज्ञापन जब जारी किया जाएगा उस समय से की जाएगी। यहाँ पे लिखा चयन का मापदंड वगैरह तो पूरी जानकारी जो 2018 में यहाँ पे लिया गया था वही जानकारी यहाँ पे पूरी दी गई है। मान्य जो होगा उसकी देखो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची रिक्त पद में अधिकतम 25% के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए भी अधिमान रहेगी किंतु शासन की अनुमति से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकेगी और 6 माह बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर देखिए और पद स्थापना वगैरह के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। ये 6 विषय की बात कर रहे थे जो परिशिष्ट 1 में है तो गणित के साथ यहाँ पे 6 विषय व्यवहारिक गणित सांख्यिकी कम्यूटेशनल मैथमेटिक्स औद्योगिक गणित इंजीनियरिंग मैथ्स ये सब यहाँ पे लिए गए लेकिन मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित यहाँ पे होना चाहिए। इसी प्रकार रसायन शास्त्र में आपके पास ये सह विषय तो सभी रहेंगे लेकिन रसायन शास्त्र आपका मुख्य विषय होना चाहिए। जीव विज्ञान में तो ये सह विषय लिए गए हैं लेकिन यहाँ पर सीधा कहा गया है कि स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र या बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो सभी विषय के यहाँ सह विषय बताए गए सूची में जो आपके सामने मैंने यहाँ पे देखा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नियम शर्तें वही है जो 2018 में थी, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया। सिर्फ एक ही परिवर्तन है कि यहाँ पर जो
ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था वो 50% कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक के लिए वही 25% आरक्षण और शेष के लिए 75% का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। पृथक पृथक यहाँ पे सूचियाँ तैयार की जाएगी। चयन सूची तैयार करने की हुए दिव्यांग वगैरह जो आरक्षण है वो महिला आरक्षण 50%, वो हॉरिजॉन्टल जो दिया जाता है वही मेरिट सूची में रहेगा। तो वो पूरी यहाँ पे चयन प्रक्रिया पूरी यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। आज के लिए